नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। वशीकरण पर मैंने कई बार व्याख्यान दिया है और आप लोगों को बताया है कि वशीकरण का अर्थ होता है कि जिस पर भी आप वशीकरण कर रहे हैं उनका मनोभाव आपके लिए ठीक हो जाए। आज जो ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इस मंत्र का दावा है, मतलब जिस काल से इस मंत्र को सिद्ध किया गया तब से आज तक इसका ये दावा है कि ये मंत्र सिर्फ मनुष्यों पर नहीं, निम्न कोटि के जो देवता होते हैं, गण होते हैं, और जो उच्च कोटि के देवता होते हैं, सब पर ये काम करता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम लोगों में ऐसे मंत्र होते हैं, जैसे अगर कोई देवता ना पधार रहा हो हमारी साधना से, तो जो देव ना पधारे ओम फटकार, तो उनको फटकार लगती है। लेकिन फटकार ना लगा करके ऐसे देवताओं को आकर्षित करने का, ऐसी शक्तियों को आकर्षित करने का भी विधान है। तो कैसे करते हैं इसको, या फिर किसी मनुष्य को भी अगर आप आकर्षित करना चाह रहे हैं तो इस मंत्र से आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, इस साधना को, मतलब एक दिन की ये साधना होती है। ये कौन सा दिन हो सकता है, ये हो सकता है काली चौदस का दिन, होली के एक रात पहले, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का दिन, ठीक है, जिस समय ग्रहण लगा हो उस काल में जितने देर ग्रहण चलेगा उतने देर इस मंत्र का जाप करना होता है। और जो इसको काली चौदस या होली के पहली वाली रात करते हैं, होली का के दहन के पहली वाली रात में करते हैं, उनको इसका 21-21 माला करना होता है। सबसे पहले जो भी देवता, दानव या मनुष्य, जिस पे भी आपको वशीकरण करना है, जिनका भी मनोभाव आपके लिए ठीक करना है, उनके नाम पर एक सरसों का दीपक जलाएंगे। और वो जो दीपक जलेगा उसी को अमुक व्यक्ति, अमुक देवता या अमुक दानव, अमुक प्रेत मान करके हम आगे की क्रिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनके सामने हम चढ़ाएंगे उरद के पकौड़े, काले उरद को खुद से कूट करके, उसके बाद उसको भिंगा कर सरसों के तेल में आप छांक करके उरद बनाएंगे और उसको वहां पे चढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा धूप लेंगे, धूप क्या होता है, धूप जैसे गूगल हुआ, धूमन हुआ, इन सबको गोबर में मिलाएंगे और उसको सुखा के उसका एक धूप बनाएंगे और उसको वहां पे धूप रूप में समर्पित करेंगे, ठीक है। एक बांस की लकड़ी लेंगे, मतलब पतली सी, बिल्कुल जैसे अगरबत्ती में पत्ती आती है वैसी, उसमें रुई लपेटेंगे और रुई में फिर हम सरसों का तेल लगाएंगे और उसको जलाएंगे और दीप के रूप में उसको समर्पित करेंगे, ठीक है। पुष्प के रूप में आप कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं, गंध इसमें चढ़ाना जो है वो मना होता है, आप इसमें गंध नहीं चढ़ा सकते किसी भी रूप में, ठीक है। तो मंत्र क्या है, चार अक्षर का मंत्र है, मंत्र है क्लाम क्लौ ह्रीम नमः, ठीक है। तो जैसे आपने एक बार 21 माला जाप कर लिया इसका, उसके बाद फिर थोड़ा सा हाथ में जल लेंगे और काला तिल लेंगे और उसके बाद संकल्प लेंगे कि अमुक देवी देवता को मैं सम्मोहित करने के लिए, या अमुक प्रेत को सम्मोहित करने के लिए, अमुक निम्न स्तर के देवता को सम्मोहित करने के लिए, या अमुक मनुष्य को सम्मोहित करने के लिए मैं आगे का जाप कर रहा हूँ। जो लोग ग्रहण के दिन करेंगे वो समय देखते हुए करेंगे कि उनके पास इतना समय बच जाए कि अगर वो किसी निम्न स्तर के देवी देवता, किसी प्रेत की साधना कर रहे हैं तो उनके पास 1000 जाप करने का समय बचे, ठीक है। जो देवलोक के किसी शक्ति को सम्मोहित करना चाह रहे हैं उनके पास 10,000 जाप करने का समय बचना चाहिए, और जिनको सबको, मतलब सर्व सम्मोहन की विद्या जिनको करनी है वो लोग 1,00,000 जाप इसका करेंगे, ठीक है। मंत्र छोटा है, एक रात में 1,00,000 आराम से होगा। मंत्र एक बार फिर से सुनिए, मंत्र है क्लौम क्लौ ह्रीम नमः। इस मंत्र का पृथ्वी लोक पर एक और
उपयोग है जिसका आप लोग कम से कम प्रयोग कीजिएगा, और वो उपयोग ये है कि अगर आपको किसी से अपना संबंध बनाना है और नहीं बन पा रहा है तो भी ये मंत्र काम करता है, लेकिन इसका कम प्रयोग कीजिए। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9431188585 से जुड़ सकते हैं। साधना शुल्क 2100 रुपये महीना है। इसमें आपको साधना का जो आप शुरुआती आयाम है हम आपको बताते हैं। जिनको मेरा आगामी कार्यक्रम और लेख पढ़ना है वो www.akurtantras पर जा सकते हैं, उसमें सब डिटेल आपको मिल जाएगा .com। इसके अलावा डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, उसमें रुद्रनाथ सिंह 4 सर्च करेंगे तो आपको मेरे प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। महाभैरव आप सभी को स्वस्थ रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना। आप सभी को आदेश आदेश।